नई न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस भले ही महागठबंधन का हिस्सा रही हो, लेकिन बिहार चुनाव के बाद पार्टी लगातार राज्य में अपनी छवि को होती जा रही है। हालांकि पार्टी में दिग्गज नेताओं की बगावत ने पार्टी को पहले ही असमंजस की स्थिति में डाल रखा है, लेकिन बिहार में पार्टी की छवि को मजबूत करने के लिए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष तो बदला गया, लेकिन इन तमाम बदलाव के बाद भी पार्टी में फूट कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस बिहार में जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास 13 दिनों में 14 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या भक्त चरण दास की ये कोशिश बिहार की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 1990 के दशक से ही आरजेडी की बेसाखी के सहारे चलने वाली कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिशें फिर तेज होने वाली है। विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस अब फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। अपनी दूसरी बिहार यात्रा के साथ बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जिलों की यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम का खास मकसद होगा कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना। इसके लिए बिहार प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास 13 दिनों के बिहार दौरे पर 25 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। भक्त चरण दास 26 जनवरी को सदाकत आश्रम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले झंडोत्तोलन समारोह में शामिल होंगे। इस दिन वो सदाकत आश्रम में किसान तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से रवाना करेंगे। 27 जनवरी को दास वैशाली जाएंगे और वहां कांग्रेस जनों से संवाद करेंगे। दोपहर बाद वे वैशाली से मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहां कांग्रेस जनों से विमर्श करेंगे। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाएंगे और 28 जनवरी को वो कांग्रेस जनों से बातचीत करने के बाद बैतिया पहुंचेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद 29 जनवरी को वृंदावन स्थित गांधी स्मृति स्थल जाएंगे और स्वतंत्रता सेनानियों से मिलेंगे। 30 को वो मुरली भैरवा जाएंगे और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्या अर्पण करने के बाद स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ला श्री संत भगत जी के परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद श्री दास भीतिहरवा आश्रम जाकर गांधी जी की मूर्ति पर माला भी चढ़ाएंगे। अगले दिन 31 जनवरी को गोपालगंज और सीवान जिले के कांग्रेस जनों से संवाद करेंगे और साथ ही 1 फरवरी को वो सारण और भोजपुर जिला जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस प्रभारी का ये दौरा लगातार जारी रहेगा और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम अब भक्त चरण दास करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।